find the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. तो हमें दो पॉलीनोमियल दिए गए हैं, एक को हमने px बोल दिया इस वाले को, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 4, और दूसरे को हमने gx बोल दिया जिससे इसको डिवाइड करना है, और इसकी डिग्री कितनी है 1, ठीक है। तो ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ओके। और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली बड़ा ही सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन, किसी भी पॉलीनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, उसको अगर हम किसी ऐसे पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है। उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आप ये जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिवाइज़र है, उसको आप 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इसमें x कितना आ गया, 1। इस 1 को आप यहाँ डाल दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि मुझे क्या निकालना है, p1। तो p1 क्या आ जाएगा, x की जगह 1 आ गया, 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1। तो इसको खोल लो, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि रिमाइंडर क्या है, p1 विच इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉलीनोमियल को मैं इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आता है, दैट्स माय आंसर। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना हो, अगर आपको नहीं याद कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।